नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बारे में बताएंगे। आनंद विहार रेलवे स्टेशन दिल्ली का तीसरा सबसे बड़ा आपका रेलवे स्टेशन है और इसका स्टेशन कोड है ANVT। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे 7 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आपको बड़ी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ATM मिल जाएगा, यहाँ पर क्लोक रूम की फैसिलिटी है, इंक्वायरी काउंटर है, एस्केलेटर्स लगे हुए हैं आपके, पार्किंग की फैसिलिटीज़ है, पुलिस बूथ है आपका, प्रीपेड ऑटो की फैसिलिटी है, प्रीपेड टैक्सी की फैसिलिटी आपकी वहाँ पर, रेस्टोरेंट है आपका रेलवे स्टेशन पे, टॉयलेट्स बने हुए हैं, क्लीन है काफ़ी वहाँ पर, वेटिंग रूम एरिया और आपका ये सारी फैसिलिटी आपकी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे मौजूद है। दोस्तों, आनंद विहार रेलवे स्टेशन का जो डिस्टेंस है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से 27.3 किलोमीटर का है, कश्मीरी गेट ISBT से 13.1 किलोमीटर का है, कनॉट प्लेस से आपका 16.2 किलोमीटर का है, इंडिया गेट से 14.2 किलोमीटर का है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 16.4 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस है। दोस्तों, आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से आनंद विहार रेलवे स्टेशन का डिस्टेंस आपका सिर्फ 200 मीटर का है। आपको आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलना है और बस वॉकिंग का डिस्टेंस है कि आप आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। दोस्तों पैसिफिक मॉल आपके आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बहुत ही पास पड़ता है, सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे है। आप वहाँ पर जाके अगर आपका टाइम पड़ा और आपकी ट्रेन डिले है तो वहाँ पर जाके आप शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग भी कर सकते हैं और वहाँ पर आप मूवी भी देख सकते हैं लेटेस्ट। दोस्तों, इस स्टेशन पे आपके हाई वाईफाई स्पीड भी मिलती है आपको, सेपरेट अराइवल और डिपार्चर एरिया भी है, रिजर्वेशन हॉल भी है आपके, पार्सल और लगेज ऑफिस भी है, ऑपरेशन एंड सर्विस एकोमोडेशन और पार्किंग एरिया भी है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन का निर्माण 2009 में हुआ था और ये 100 एकड़ की जमीन पे फैला हुआ है। दोस्तों फ्यूचर में इस स्टेशन पे दो और प्लेटफॉर्म बनने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर आपका ट्रेन का काफ़ी सारी ट्रेन से जो यहाँ से जाती हैं, तो इसलिए इस स्टेशन पे ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के लिए दो स्टेशन का और निर्माण किया जा रहा है जो आने वाले एक दो साल में आपके पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।